हाय स्टूडेंट, वेलकम आरसीआई एजुहब ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 8, टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। परिभाषा, कोशिका झिल्ली की परिभाषा। सभी सेल्स के कोशिकाओं के जीव द्रव्य के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जो कि पारगम्य होती है व चयनात्मक होती है, यानी कि जीव द्रव्य जो है उसके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि ये कोशिका है, केंद्रक, साइटोप्लाज्म हो गया, तो इसके चारों ओर ये जो झिल्ली है ये पारगम्य भी है और चयनात्मक होती है। तो इस झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसका निर्माण वसा और प्रोटीन से मिलकर होता है, वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1855 में सी क्रेमर व नेगली ने की। सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज की और इनका नाम जो दिया, इन्होंने नाम दिया इसको कोशिका कला। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और आए, प्लॉ। इन्होंने इसका नाम चेंज किया और इनको नाम यहां से जीव द्रव्य कला कहा। जीव द्रव्य कला, दो नाम आ गए यहां पर। खोज 1855 में सी क्रेमर व नेगली ने की और इसको नाम जो दिया वो कोशिका कला, लेकिन प्लॉ ने इसका नाम जीव द्रव्य कला कहा। कोशिका जो झिल्ली होती है, इसकी संरचना के बारे में अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों का मत जो है वो अलग अलग है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए संरचना के। तो इसकी संरचना के जो प्रतिरूप हैं, मॉडल जो है उनका अध्ययन हम यहां करेंगे। उसमें सबसे पहले जो मॉडल है वो सैंडविच संरचना। सैंडविच जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम डेनियली व डॉवसन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। वो वैज्ञानिक डेनियली व डॉवसन, इन्होंने 1938 के अंदर में यह मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी है, जिसमें वसा की जो परत है वो बीच में पाई जाती है और दोनों ओर प्रोटीन की परतें होती है, अर्थात दो प्रोटीन की परतों के बीच वसा की परत पाई जाती है। इसमें जो वसा की जो परत है इसकी मोटाई 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है, 30 से 35, जबकि प्रोटीन की परत की मोटाई 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। वैसे कोशिका झिल्ली जो होती है इसकी टोटल जो मोटाई होती है, कुल मोटाई इसकी 70 से 80 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। इसमें
प्रोटीन परत जो है वो जल स्नेही होती है और वसा परत वो जल विरागी होती है, जल विरोधी होती है। इसमें वसा और फास्फोलिपिड का जो स्तर पाया जाता है, वसा और फास्फोलिपिड का जो स्तर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। इनका जो डायग्राम है वो इन्होंने प्रस्तुत किया, जो हम देखेंगे यहां। इन्होंने इसमें बाहर की ओर जो जो परत पाई जाती है वो प्रोटीन की परत होती है और बीच के अंदर जो परत है ये वसा की परत होती है। वसा की परत में भी दो लेयर हैं जो एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ लिपिड परत, ये वाली जो परत है ये परत प्रोटीन की परत, प्रोटीन की परत होती है। यहाँ पर ये वाला भाग लिपिड जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है और ये वाला पार्ट प्रोटीन, ये जल स्नेही भाग परत, और लिपिड वाला जो पार्ट है ये जल विरागी होता है। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा भी मॉडल प्रस्तुत किए जिनको हम अगले वीडियो के अंदर जिनका अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से जो सैंडविच संरचना है, सैंडविच का मतलब दो परतों के बीच में वसा की परत का पाया जाना, सेम सैंडविच की तरह होता है। तो इस प्रकार से ये संरचना जो है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद। थैंक यू।